फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरोसा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो गई है मॉर्निंग, और आज हमारी मॉर्निंग हुई है ये मॉलिंगनम विलेज में, जो कि एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, मेघालय में है। तो आज ये हमारा मेघालय ट्रिप का 5वां दिन है और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ कैसे पहुंचे और कल नाइट में क्या माहौल था, वो मैं पहले ये क्लिप दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद अभी मॉर्निंग में मैं विलेज का टूर कराऊंगा। Yesterday. अभी हम पहुंच गए हैं विलेज पे और यहाँ हमारा रूम बुक नहीं है, तो हम पहले रूम ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि रूम बुक नहीं रहता, तो पार्किंग पे रख के गाड़ी रूम देखना पड़ता है। रो रही है आरुषा को, हम रोड ब्रिज में नहीं ले गए थे, छोड़ के चले गए थे और हमारे आते तक वो उड़ गई थी, इसलिए आरुषा रो रही है। तो ये यहाँ का पार्किंग एरिया है ये विलेज का, तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रखी हुई है और इसको चारों तरफ शॉप्स हैं कुछ, तो मैं दिखाता हूँ। ये सारे शॉप हैं, फ्रेंड्स। और अभी हम यहाँ पे आए हैं खाने के लिए, तो यहाँ तो कुछ ऐसे नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ थालियाँ ही अवेलेबल है, कंप्लीट थाली। तो हम अभी एक ये तो यहाँ पे आए हुए हैं, तो 170 वाला एक थाली हमने ऑर्डर किया है, वो मैं दिखाता हूँ। और ये हमारा एक थाली आया हुआ है 170 का, तो इसमें ये थोड़ा सा राइस है और रोटी है और बाकी चीज़ें आपको दिख रही है। यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा या तो बाहर से अच्छे से खा के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी सुविधा नहीं खाने का, बस नॉर्मल थोड़ा बहुत ही खाना है, मतलब ठीक ठाक है पेट भरने लायक। ये होम स्टे लिया हुआ है, फ्रेंड्स, इसको हमने यहीं पे आके बुक किया हुआ है क्योंकि हमें ऑनलाइन में उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, तो हम यहीं आए और उसके बाद ये रूम हमने बुक किया। लाइट ब्लू वाला, ये वाला मम्मा का, ये वाला। तो ये रूम हमने बुक किया है और ये नॉन एसी है, वैसे टेम्परेचर नॉर्मल है यहाँ, उतनी ज्यादा एसी की जरूरत नहीं है, तो हमारा चल जाएगा। और हमें बस ये नाइट काटनी है, फिर मॉर्निंग से हम विलेज विजिट करने जाएंगे। The next day. आरुषा भी उठ गई है और सामान हमारा फैला हुआ है क्योंकि छोटा सा रूम है। और ये देखिए जिस होम स्टे में हम रुके हैं उसके बाहर का माहौल है, पूरा उजाला हो गया है, अभी मॉर्निंग के 5:30 हुए हैं, तो हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर चलेंगे गाँव में घूमने। फ्रेंड्स, तो अभी हम निकल गए हैं विलेज टूर में मॉर्निंग में, और ये देखिए क्या कीड़ा है यार, मेरे आँख आँख में घूम रहा है। और एक कीड़े ने वर्षा के ऊपर अटैक कर रखा है, देखिए। चलो आपको दिखाते हैं कि गांव कैसा है। फ्रेंड्स, और आप यहां आएंगे तो आपको आजू बाजू में काफी सारे होम स्टे मिल जाएंगे, तो आपको पहले से बुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप यहाँ आएंगे तो सिर्फ एक ही को देख के फिक्स नहीं कीजिएगा, आके 2-3 एक्सपेरिमेंट कर लेना। हम इवनिंग में आए थे तो हमने एक दो ही देखा, उसके बाद हमने फिक्स कर लिया, तो हमें लगा कि हमें थोड़ा और एक्सप्लोर करना था, तो अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे हैं और आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये छोटा सा घर है और यहाँ पे थार है, छोटा सा ही विलेज है लेकिन इन लोग अपने आप में काफ़ी संपन्न हैं। विलेज वाकई में क्लीन है क्योंकि यहाँ मुझे कोई भी मवेशी नहीं दिख रहे, जैसे गाय बैल भैंस और डॉगी वगैरह रहते। और यहाँ बीच बीच में वॉशरूम भी बना के रखा हुआ है, ये पार्किंग के लिए स्पेस है। और यहाँ से 2-3 रास्ते गए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में जाके देखते हैं कि इधर क्या है। जैकफ्रूट है फ्रेंड, और यहाँ पे इस गांव का गार्डन टाइप का है, इसमें देखिए स्लाइड वगैरह है, गांव ही पूरा अपने आप में गार्डन है। हाँ फ्रेंड, तो ये गांव में ना ही कहीं पे कोई स्मेल है, आप एकदम फ्रेश एयर के साथ घूम सकते हैं और मॉर्निंग में घूमने में और काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे जीरो पॉल्यूशन होगा, कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, ना कहीं पे आपको पॉलीथीन दिखेगा, ना ही बॉटल, ना ही कुछ भी नहीं। और टूरिस्ट भी इस बात के लिए काफी अच्छे है कि लोग इसको मेंटेन करते हैं, नहीं तो लोग क्या करते, जहाँ भी बॉटल है ये सब फेंक दिया, बट यहाँ पे ये सब चीज अच्छा है, तो लोग अपने आप में ही काफी मेंटेन है। और यहाँ पे सारी जगह मतलब डामर वाला रोड है ये, तो के कारण भी काफी क्लीन है और लोग मॉर्निंग में ही क्लीन करने के लिए यहाँ पे जुट जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं सब अपने घर के पास ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, जिससे क्या क्लीन रहता है और कहीं भी आपको एक्स्ट्रा कचड़े या कुछ नहीं दिखेंगे, इसलिए ये शायद क्लीनेस्ट विलेज में आता है एशिया का। और अभी तक हमें सिर्फ एक डॉगी दिखा यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिखा, पीछे देख रहे हैं आप ब्लैक ब्लैक कलर का, अब वो भी डॉगी अच्छा दिख रहा है, खराब नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंडी रहती है, इसलिए यहाँ के डॉगी लोग भी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं।
फ्रेंड्स, तो ये जो एरिया दिख रहा है ये इस विंग का फिनिश पॉइंट है मेरे ख्याल से। ये देखिए फिनिश लिख के रखा हुआ इन्होंने, और ये देखिए सार्वजनिक टॉयलेट भी है बीच बीच में अगर आपको कुछ लगता है उसके लिए। तो आ गए हैं हम पिछले वाले चौक पे जहाँ पे हम इस रास्ते से गए थे, और इसके बाजू में ये एक दूसरा रास्ता है जहाँ पे हम जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। पर लगा हुआ है ये देखिए, और यहाँ घर घर में पानी की पाइप भी देखिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से गया हुआ है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके ले गया हुआ है। और इसका मेन में जंक्शन पॉइंट दिखाता हूँ, ये देखिए इसको ड्रेनेज के अंदर से ही करके ले गया है, और ड्रेनेज भी काफी क्लीन है। कल रात में ही बारिश हुई यहाँ पे, लेकिन आपको कहीं पर भी थोड़ा भी पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा। ये पाथ देखिए ये कितना ये थोड़ा सा रफ पाथ है, फिर भी इसमें कहीं भी आपको पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा। ये यहाँ पे मेन पाइप आया हुआ है और यहाँ से अलग अलग घर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो काफी सिस्टमेटिक बनाया हुआ है इन्होंने। हर कोने पे ऐसा डस्टबिन रखा हुआ है जिसमें अगर कभी कोई इधर उधर फेंक भी देता है तो गाँव वाले उसको क्लीन करके यहीं पे डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ का चर्च है, तो चर्च मेरे ख्याल से अभी खुला नहीं है, लेकिन हम बाहर से देख के आते हैं। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे साथ डॉगी भी एंट्री लेते जा रहे हैं, हर उसके साथ साथ आते जा रहे हैं। ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है चर्च, बट अभी ओपन नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, और यहाँ से ये स्काई व्यू पॉइंट लिखा हुआ है, तो चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि स्काई व्यू पॉइंट क्या है। फ्रेंड, तो हम अभी अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जैसे ही हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेंगे फिर हम स्काई व्यू पॉइंट पे चढ़ेंगे, तो मैं पहले जा रहा हूँ। फ्रेंड, ये और काफी अच्छे से मजबूती से बना हुआ है, देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। हेलो, पूरा ये बैम्बो का बना हुआ है, देखिए कितने स्टेप में है, 1 2 3 4। फ्रेंड्स देखिए मैं काफी ऊपर आ गया हूँ, मैं ज़ूम करके दिखाती हूँ, देखिए देखिए। फ्रेंड्स, तो अभी आरुषा एंड वर्षा चल रहे हैं, तो मैं उनको पीछे सीधा से देखते रहता हूँ, मॉनिटर करते रहता हूँ। मजा आ रहा है लड्डू को, चल नहीं गिर रहे मम्मा है। फ्रेंड्स देखिए कितना पार करके हम आए हुए हैं, और फ्रेंड्स यहाँ हमें पूरे गांव में कहीं भी मच्छर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मच्छर मिल रहा है। आरुषा को भी और वर्षा को दोनों को काट दिया है मच्छर। ये देखिए फ्रेंड कहाँ से चढ़ गए हैं हम, और ये वर्षा एंड आरुषा फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, मैं बस जा रहा हूँ। और बताया जा रहा है कि यहाँ से बांग्लादेश का व्यू दिखता है, अब कौन सा है मुझे ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है। मजा आया चलने में? यस, डर भी काफी लग रहा था क्योंकि और देखिए हम काफी ऊपर चढ़े हुए हैं। ये देखिए आई थिंक ये 3rd 5th floor होगा, है ना? हां, नॉर्मल जो हमारा बिल्डिंग है उसका बिल्डिंग का 5th floor होगा आई थिंक। हाँ, इतना ऊपर हम चढ़े हुए हैं। ए लड्डू, आप घर के अंदर थोड़ी नहीं खेल रहे हो? और देखो आरुषा पे यहाँ भी मस्ती सूझी है, पहनते ना तो चल रहे। तभी हम वापस जा रहे हैं, उतर रहे हैं। क्या मजा आया? बढ़िया, और हमसे ज्यादा तो आरुषा ने एंजॉय किया है, देखिए पूरा पैदल आई है और पैदल जा रही है। हेलो, इधर कैमरे में उधर। हेलो लड्डू को मजा आ रहा है?
कैसे मजा आ रहा है? जू 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 जू। ये ये। फ्रेंड्स तो वर्षा और आरुषा उतर गए हैं और अभी फाइनली मैं भी उतर रहा हूँ। फ्रेंड्स तो हो गया हमारा लगभग सारा विलेज घूम के, और विलेज घूमने के बाद हम यहाँ पे आए हैं देखिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ मैगी वगैरह अवेलेबल है, तो हमने एक एग मैगी और एक वेज मैगी ऑर्डर किया। क्या खाओगे? मैगी। यहाँ की एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे हमारे तरफ में जब मैरिज होता है तो लड़की लड़के के यहाँ जाती है, बट यहाँ पे उल्टा है, रिवर्स है कि लड़के लड़की के यहाँ जाते हैं, मतलब लड़के घर जमाई बन के, मतलब हमारे तरफ जिसको घर जमाई बोलते हैं वैसे ही लड़का लड़की के यहाँ जाता है, वहाँ रहता है। और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लड़कियों के नाम पे रहती है क्योंकि लड़कियाँ घर पे रहती है और लड़के लड़की के यहाँ जाते हैं शादी करके। और हम जिसके यहाँ पे होम स्टे किए वो उसके ओनर बताए थे कि उनके 5 बेटे हैं और उनके पास सिर्फ उनका एक ही बेटा है, बाकी सब बेटे उनके साथ उनके वो घर जमाई बन के रह रहे हैं उनके ससुराल में। फ्रेंड और यहाँ की एक और चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ जितने भी स्ट्रीट लाइट है वो देखिए सोलर पैनल से चल रहे हैं। तो ये वो होम स्टे है जहाँ हम रुके हैं, बेंजामिन होम स्टे। कल एक्चुअली इवनिंग हो गया था तो मैं दिखा नहीं पाया था, अभी ये डे में ऐसा दिखता है कुछ। तो यहाँ काफ़ी सारे रूम है, नीचे में भी एक रूम है, ऊपर में भी 2-3 रूम है और 1-2 एसी रूम भी है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और गाड़ियों के लिए स्पेस भी है पार्किंग के लिए यहाँ पे। देखो बैगन का पेड़ इधर। होम स्टे के ऑनर है, ये इनका घर है, इनका किचन, ये देखिए इनका घर। ये देखिए इनके इन्होंने कैट रखा हुआ है, एक ये बेबी कैट है और एक इसका बड़ा है, इसकी मम्मी कैट भी है ना बुग्गू? देखो ये भी पोज दे रही है। ये चलो एक बार ऊपर से ऐसे सहला दो कैट को, ऐसे ऐसे कर। कैट क्या खाती है? बिस्किट खाएगी कैट? ये इनके यहाँ की छोटी बेबी है, देखो। हेलो हेलो नहीं खा रही है ये ले। और ये बेबी भी खा रहा है बिस्किट। सर ये देखिए गांव के स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे, छोटे बच्चे।